सब्सक्राइब करें हिस्टोरिकल टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, हम इंसान खुद को जानवरों से ज्यादा समझदार और ऊंचा मानते हैं, जिसका कारण ये है कि हम सभी लोग जानवरों से अलग एक समाज में रहते हैं, जिसके कुछ नियम और कानून होते हैं जिनकी वजह से हमारे समाज में शांति और न्याय बना रहता है। लेकिन दोस्तों, कई बार समाज की इस सुख शांति को कुछ असामाजिक तत्व भंग कर देते हैं, जिसकी वजह से समाज की स्थिरता तहस नहस हो जाती है। दोस्तों, शांति और न्याय को समाज में फिर से स्थापित करने के लिए आज के समय में तो थाना कचहरी और कानून है, लेकिन दोस्तों पुराने जमाने में लोग अगर कानून व्यवस्था भंग करते तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। हालांकि दोस्तों, ये सजाएं उस साम्राज्य के कानून व्यवस्था और लोगों के द्वारा किए गए जुर्म पर आधारित होती थी, लेकिन फिर भी पुराने जमाने में सामाजिक नियम कायदे इतने कठोर होते थे कि उन्हें तोड़ने पर सजाएं उनसे भी ज्यादा कठोर मिलती थी। दोस्तों, ये सजाएं इतनी विभत्स और भयानक होती थी कि इनके बारे में जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। लोगों की क्रूरता देखकर आप भी सहम उठेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्टोरिकल टीवी इंडिया की आज की इस वीडियो में, जहां आज हम आपको बताने वाले हैं दुनिया में इतिहास में दी जाने वाली सबसे ज्यादा खतरनाक सजाओं के बारे में। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। गिलेटिन। वर्ष 1789 में फ्रेंच रिवोल्यूशन के समय एलीट क्लास के वो लोग जो भ्रष्टाचार और दूसरे बुरे काम करते थे, उन्हें सजा देने के लिए वहां के नेता जोसेफ इग्नेंस गिलेटिन ने सजा देने वाले इस उपकरण को बनवाया था, जिसमें दोषियों की गर्दन को लकड़ी के दो बड़े कतकों के बीच फंसाया जाता था और जिसमें ऊपर की तरफ एक धारदार लोहे की प्लेट लगी होती थी। इस उपकरण में उस दोषी की गर्दन को फंसाकर बीच चौराहे पर लोगों के सामने काटा जाता था। दोस्तों, जब सजा देने की इस तकनीक का प्रचलन शुरू हुआ था तो आम फ्रेंच जनता काफी खुश थी, लेकिन बाद में उसका इस्तेमाल छोटी सी गलतियों और विपक्ष के नेताओं को भी मारने के लिए किया जाने लगा। दोस्तों, उस समय को रेन ऑफ टेरर कहा जाता था, जिसमें जनता सिर्फ सहमी हुई रहती थी और लोग राजा से हटकर अब नेताओं और सरकार के गुलाम बने रहे थे। छोटी सी गलती या विरोध पर सीधे सर कलम कर दिया जाता था। लेकिन समय के साथ इन लोगों ने फिर एक बार हिम्मत दिखाई और इस बार इस सजा को शुरू करने वाले जोसेफ गिलेटिन का अंत उसी के बनवाए इस उपकरण से कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों, उसके तुरंत बाद ही इस सजा को पूरी तरह से बैन कर दिया गया था। इलेक्ट्रिक चेयर। दोस्तों, यूं तो इलेक्ट्रिक चेयर का सबसे पहले इस्तेमाल मानसिक रूप से परेशान लोगों को शॉक थेरेपी देने के लिए हुआ था, लेकिन फिर अमेरिका में जल्दी इसे कई भूत भगाने वाले घोस्ट हंटर्स लोगों ने भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिसमें वो किसी ऐसे इंसान को पकड़कर इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाते थे जिसके अंदर संभवतः भूत प्रेत का साया होता था। अब इससे भूत काबू में आते थे या नहीं, इसके बारे में तो कहना मुश्किल है, लेकिन दोस्तों ये सजा 19वीं सदी में यूरोप के देशों के जेलों में काफी प्रचलन में हुआ करती थी। ये सजा तब दी जाती थी जब कोई व्यक्ति न्यायिक मामलों में दोषी साबित हो जाता था, जैसे किसी तरह का मर्डर, बलात्कार या बड़ी चोरी के मामले में, तब उसे वहां के कोर्ट से ये सजा सुनाई जाती थी। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इसमें दोषी इंसान को बिठाकर उसे बिजली के झटके दिए जाते थे और कुछ मिनटों में उसकी तड़प तड़प कर मौत हो जाती थी। गैस चेंबर्स। दोस्तों, आधुनिक दुनिया के इतिहास में अगर किसी देश में खुलेआम नरसंहार हुआ है तो वो दूसरे विश्व युद्ध के समय जर्मनी में ज्यूज यानी यहूदी और दूसरे धर्म के लोगों के साथ हुआ है। दोस्तों, जर्मनी का तानाशाह हिटलर जर्मन लोगों का आयरन ब्लड यानी इस धरती के सबसे शुद्ध खून वाला इंसान मानता था और वो चाहता था कि उसके देश में सिर्फ जर्मन लोग ही रहें और अपने ही लोग शादियों और संभोग करके जर्मन पॉपुलेशन को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, उस समय जर्मनी में ज्यूज, अफ्रीकन एशियन लोगों की भी काफी जनसंख्या मौजूद थी और ये सब लोग हिटलर की नजरों में गंदे खून वाले होते थे। और तो और, वो अपने जर्मन देश के भी विकलांग और समलैंगिक लोगों को अपने देश के लिए बोझ समझते थे, लिहाजा उसने अपने तानाशाही सरकार में अपनी सेना के दम पर लाखों लोगों की बेरहमी से जान ले ली थी। हिटलर लोगों को मारने से पहले वो इनके साथ जानवरों से भी बदतर ढंग से काम करवाता था और इन्हें अमानवीय परिस्थितियों में रखता था, और जब ये लोग बीमारी और थकान से कमजोर हो जाते तो दोस्तों इन्हें गैस चेंबर्स में डालकर मार दिया जाता था। चेंबर्स में जहरीली मस्टर्ड गैस होती थी जिससे कुछ ही मिनटों में इंसान दम तोड़ देता है। दोस्तों, इस नरसंहार में छोटे बच्चे, महिलाओं और बूढ़ों को भी नहीं बख्शा जाता था। बॉइलिंग अलाइव। दोस्तों, आपने ये बात तो कई बार सुनी होगी कि नरक में पापी इंसानों को गर्म तेल में तला जाता है और उसे उबाल दिया जाता है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नरक की बात तो छोड़िए, पुराने समय में यह सजा तो धरती पर भी दी जाती थी।
दोस्तों ये सजा सुनने में काफी पौराणिक सी लगती है, लेकिन दरअसल अंग्रेजों ने इस सजा का चलन शुरू किया था। उन्होंने 1200 से 1600 के मध्य इंग्लैंड और यूरोप की बाकी दूसरे कॉलोनाइज देशों में वहां के इंडिजिनस लोगों के मन में अपना खौफ डालने के लिए इस बेहद क्रूर सजा को चुना था। 16वीं सदी में जब अंग्रेज एशिया में अपने कदम जमा रहे थे, तब पूर्व एशिया के देश जैसे जापान, इंडोनेशिया और अफ्रीका के कुछ देशों में इस भयानक सजा का काफी प्रचलन देखा जाता था, जिसके आमतौर पर शिकार वहां सदियों पहले से रह रहे भोले भाले आदिवासी लोग होते थे। दोस्तों, जो आदिवासी अंग्रेजों का विरोध करते थे उन्हें यह सजा दी जाती थी। बर्निंग द ट्रेटर। दोस्तों, पुराने जमाने में लोग जादू टोने में भी खूब विश्वास किया करते थे, और एशिया के अलावा यूरोप और अफ्रीका में भी इन सब पैरानॉर्मल चीजों पर खूब विश्वास किया जाता था। दोस्तों, कई लोगों का मानना था कि जिन लोगों को जादू टोना जैसी काली शक्तियों का पता होता था, वो किसी काले रंग की गुड़िया में सुइयां चुभाकर अपने दुश्मनों को बीमार करने का और उसे मारने का दम भी रखते थे। और इस वजह से एक बार पुर्तगाल के एक राजा की अचानक मौत हो गई थी। जब वो राजा मरा तो उसके नौकर के पास से ऐसी ही एक गुड़िया मिली थी। इसके बाद वहां के सेनापति ने उस नौकर और उसके पूरे परिवार को एक लकड़ी से सीधा बांधकर उनको जिंदा जलवा दिया था। उसके बाद दोस्तों यह सजा पूरे यूरोप में पॉपुलर हो गई, और फिर लोगों ने फांसी की जगह किसी भी बड़े जुर्म में दोषियों की इसी सजा की मांग करने लगे थे। लेकिन दोस्तों यह सजा बहुत ही ज्यादा क्रूर थी, और जब तक यह सजा किसी दूसरे के साथ हो रही हो तब तक ही मजेदार लगती थी। कुछ सालों बाद ही इससे कई बेगुनाह लोगों की भी जानें ले ली गई, जिसकी वजह से लोगों में इस सजा का डर काफी बैठ गया। यहां तक कि सजा देने वाले लोग भी इसे डरने लगे, और फिर खुद को बचाने के लिए उन्होंने इस सजा को बंद कर दिया। बर्निंग एट स्टेक। दोस्तों, आज के दौर में भले ही जब दो देशों के बीच लड़ाई होती है तो जो दूसरे देश के सैनिक युद्ध में हार के बाद बच जाते हैं उन्हें सम्मान के साथ उनके देश वापस भेज दिया जाता है। भारत खुद भी पाकिस्तान के साथ ऐसा कर चुका है। लेकिन दोस्तों, पुराने जमाने में तुर्की और उससे लगे हुए दूसरे मुस्लिम और यूरोपीय देशों के लोगों में ये युद्ध धर्म नहीं चलता था। वो पकड़े हुए सैनिकों में से कुछ को दास बना लेते थे। कई सैनिकों को नपुंसक कर दिया जाता था, और उसके बाद भी जो बच जाते थे उन्हें जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर जिंदा दफन कर दिया जाता था। दोस्तों, इन साम्राज्यों में महिलाएं भी सुरक्षित नहीं थी, उनके साथ भी काफी बुरे काम किए जाते थे। कईयों को जबरन गर्भवती कर दिया जाता था, और कईयों के जननांगों में गर्म औजार डाल दिए जाते थे। दोस्तों, ये सारी सजाएं सच में इंसानों के पुराने वक्त में जानवरों से भी बदतर व्यवहार का सबूत देती हैं। तो दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी। इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगली बार ऐसी ही एक और रोमांचक वीडियो के साथ जल्दी होगी मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।